So, in the previous videos, we have learned what are modals and how different kind of modals are used. So, verbs are of two kinds, primary verbs and auxiliary verbs. Now, auxiliary verbs are divided into two types, helping verbs and modals. The main concern in the video is the topic modals. Okay, so modals are basically used in the sentences to express some intention, like obligation, necessity, offer, advice, suggestion, prohibition, assumption, doubt. So ये सारे intentions हैं. अब किसी sentence में यही सब intentions को show करने के लिए हम modals का use करते हैं. Modals बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे can, cannot, could, must, mustn't, need, need not, have not to, should, shall, will not, should not, shall not, used to, able to, dare. तो ये सारे जितने भी kinds हैं, सारे kinds of modals होते हैं. ठीक है, हम इनको sentences में इसलिए use करते हैं जिससे कि हम sentences में शो कर सकें कि हम क्या करने की कोशिश करें, क्या इंटेंशन है हमारा उस सेंटेंस से, क्या वो एडवाइस दे रहा है, क्या वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, क्या वो किसी को ऑफर कर रहा है कोई कुछ, या फिर क्या वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो नेसेसिटी है किसी चीज़ की, क्या वो एजम्पशन है, क्या वो किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिट या फिर अगेंस्ट है. तो यही सारे इंटेंशंस को दिखाने के लिए वी यूज मोडल्स इन द सेंटेंसेस. लेट्स डू द काइंड नंबर 12, यूज ऑफ डेयर. नाउ डेयर मीन्स टू वेंचर. इट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन एज ही डेयर नॉट अपोज मी. हाउ डेयर यू टू एंटर द गर्ल हॉस्टल. नाउ डेयर का मतलब होता है टू वेंचर. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है. इन हिंदी आई कैन से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इज मीन्स डेयर. हाउ डेयर यू टू डू दिस. ठीक है, तो ये डेयर यू बहुत बार वी यूज द सेंटेंस हाउ डेयर यू टू डू दिस. डेयर यू इज अ मोडल हेयर. ओके, विच इज़ यूज टू शो द इंटेंशन इन एंड द इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म वैन वी यूज डेयर. फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट अपोज मी. उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो सके, मेरे अगेंस्ट जा सके. हाउ डेयर यू एंटर द गर्ल्स हॉस्टल. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री करने की. ठीक है, सबका मतलब ये है. 13th, यूज ऑफ यूज्ड टू. नाउ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिट इन द पास्ट. अब यूज टू कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ की हैबिट जो पास्ट में है. आई यूज टू ब्रश ट्वाइस अ डे. इसका मतलब है मेरी पहले आदत थी दो बार ब्रश करने की. ठीक है, माई अंकल यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग वेन ही वॉज अलाइव. तो ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं, पास्ट टेंस है, बिकॉज वेन ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा थे तब वो रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे. ही यूज टू गो देयर. नाउ ही यूज टू यहाँ पे शो करने के लिए यूज़ हुए कि ये उनकी हैबिट थी, वो ये डेली रूटीन फॉलो करते थे. अनदर सेंटेंस, आई used to visit my auntie every Sunday. Now I go only once a month. मतलब पहले ये मेरी आदत थी कि मैं हर संडे उनके घर जाता था, पर अब मैं सिर्फ वंस अ मंथ जाता हूँ. ठीक है, तो ये पहले की आदत थी, तो दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ आई यूज़ टू. Another example, my grandmother used to feed sparrows when she lived in a village. She had the habit of feeding the sparrows when she was living in this village. अब वो यहाँ नहीं रहती, ये एक past tense की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, note, used to does not
यूज्ड इन अ प्रेजेंट फॉर्म. नाउ यूज्ड टू हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज, प्रेजेंट टेंसेस के उसमें यूज़ नहीं करते. इस यूज्ड टू का मतलब ही यही है. यूज्ड टू बी एक्सप्रेस समथिंग दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट. देयर यूज्ड टू बी अ पार्क वेयर वी हैव सेट सिट अप अ शॉपिंग सेंटर, वेयर वी हैव सेट अप अ शॉपिंग सेंटर. मतलब हुआ यूज़ टू बी हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी इन द पास्ट, पर अब यहाँ पे नहीं करती. फॉर एग्जांपल देयर यूज़ टू बी अ पार्क, यहाँ पर पार्क हुआ करता था, पर अब हमने यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर सेटअप कर दिया है. पर पहले क्या था यहाँ पर, देयर यूज़ टू बी अ पार्क. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ जब हमें शो करना होता है दैट समथिंग हैज़ बीन एग्जिस्टेड इन टू द पास्ट बट नाउ इट इज़ नॉट देयर, वी यूज़ टू बी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ 14th, यूज़ ऑफ हैज़, हैव टू, हैड टू, शैल एंड विल हैव टू. ओके, हैज़ और हैव टू, हैड एंड, हैड टू एंड शैल, विल have to are used to express necessity or obligations. इन सबको एक ही कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सारे मॉडल्स हमें कोई necessity है या फिर कोई obligation है, किसी social service की important obligations है जो हमें पूरी करनी है. obligations वो होती हैं जो हमें पूरी करनी ही करनी है, या फिर कोई necessity है, कोई ज़रूरत है, उन सब के लिए हम ये सारे मॉडल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, different different जगहों पर यूज़ करते हैं पर इनका यूसेज का इंटेंशन सेम है. ठीक है, नंबर वन, इन प्रेजेंट टेंसेस वी यूज हैज और हैव टू एज. नाउ प्रेजेंट टेंसेस में हम हैज यूज करते हैं या फिर हम हैव टू यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल का बस डिफरेंस है, वरना हम हैज या हैव टू यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू फिनिश माय होम टास्क बाय 4 PM, तो दिस इज एन ऑब्लिगेशन. ये ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें पूरा करना ही करना है, यू आर फोर्स टू डू इट. ठीक है, नहीं करोगे तो यू विल गेट पनिशमेंट, दिस इज एन ऑब्लिगेशन. अब आई के साथ हमेशा हम हैव यूज़ करते हैं, वैसे तो हम सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं, बट अब आई एक एक्सेप्शन है, हम आई हैज़ कभी नहीं लिखते, हम हमेशा आई हैव लिखते हैं इन प्रेजेंट टेंसेस, तो दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पर हैव यूज़ करा है. Another example, the watchman has to open the school gate at 6 AM every day. Now the watchman has to open. Watchman को रोज़ school का gate 6 AM में खोलना पड़ता है, खोलना होता है. Okay? Another, the patient has to see the doctor. जो patient है उनको doctor को देखना है. यहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही है, एक पेशेंट है, एक वॉचमैन है, इसीलिए हमने इन दोनों सेंटेंसेस में हैज़ यूज़ करा है. आई हैड टू मिल्क द काउ यस्टरडे. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पास्ट टेंस का वो है जिसके साथ हमने हैड यूज़ करा है. ओके, दिस इज पास्ट टेंस. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू हम हैड टू जो है वो कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस के लिए हम हैड का ही इस्तेमाल करते हैं, हैव और हैज़ दोनों का ही काम ये हैड कर लेता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस में. जैसे कि आई हैड टू मिल्क द काउ डे यस्टरडे, मुझे काउ को दूध पिलाना था, कल पिलाना था, तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए हमने हैड यूज़ करा है. आई हैड टू कुक फूड बिकॉज माई मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल. मुझे फूड कुक करना पड़ा क्योंकि मेरी मदर बीमार थी. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया हमारा. नाउ सी, इन फ्यूचर टेंसेस वी यूज विल हैव टू विद द फर्स्ट पर्सन एंड शैल हैव टू विद द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा आई. ठीक है, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव टू. फॉर एग्जांपल, आई विल हैव टू वर्क अ बिट हार्ड टू टॉप द क्लास. मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्लास में फर्स्ट आने के लिए. पर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, शैल हैव टू. यू हमारा सेकेंड पर्सन हो गया. यू शैल हैव टू पे अ फाइन ऑफ ₹20 फॉर नॉट अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लास. ठीक है,
नाउ हम ये भी यूज़ कर सकते थे, वी शैल हैव टू पे अ फाइन ऑफ ₹20 फॉर नॉट अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लास. वी हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है. अब नाउ लेट्स सी दिस टेबल. दिस टेबल इज द स्टडी गिविंग द यूसेज ऑफ मोडल्स. फॉर एग्जाम्पल शैल और विल. शैल हमने सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और विल हम किसके साथ यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ. विद द फर्स्ट पर्सन विलिंगनेस इंटेंशन. ओके सो हम फर्स्ट के साथ हम विल यूज़ करते हैं और सेकेंड एंड थर्ड के साथ हम शैल यूज़ करते हैं. डिटर्मिनेशन प्रोमिस कमांड एंड एश्योरेंस. हम इन सारी इंटेंशंस के लिए हम शैल और विल यूज़ करते हैं. क्या क्या इंटेंशंस हैं? विलिंगनेस किसी चीज़ की इच्छा, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन किसी चीज़ का जोश जो हम करके दिखाएंगे, प्रॉमिस कोई कमांड या फिर कोई एश्योरेंस, एडवाइजिबिलिटी किसी को एडवाइस करना, कोई ऑब्लिगेशन विच इज़ कंपल्सरी या फिर कोई एक्सपेक्टेशन, ठीक है. शुड. शुड हम क्यों यूज़ करते हैं? विलिंगनेस हैबिचुअल एक्शंस के साथ इन द पास्ट. पास्ट के कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई हैबिट है उसको शो करने के लिए, विशेष शो करने के लिए, डिज़ायर शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए. वुड बी यूज टू शो एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और एनी परमिशन इन द इनफॉर्मल मैनर. कैन, कुड, मे, माइट. अब इन चारों को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई फैक्चुअल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल मैनर में, पर्पस विश ऑफ पर्सन्स नेचर एंड कंसर्निंग समवन एल्स. हमने ये चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं. दिस इज़ वी आर रिवाइजिंग इट, वी आर समराइजिंग इट फ्रॉम अ स्मॉल टेबल. हमने पढ़ा है कि कैन, गुड, मे, माइट ये सब जो हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी की विश को एक्सप्रेस करने के लिए. और वो जो विश होती है वो कंसर्न्ड होती है किसी अनदर पर्सन से, हमारी खुद की विश नहीं किसी और की विश. मे गॉड ब्लेस यू, वी आर विशिंग फॉर अनदर पर्सन एंड वी आर यूजिंग मे, राइट. फिर मस्ट आता है. मस्ट यूज़ होता है किसी ड्यूटी, नेसेसिटी, कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर कोई सर्टेनिटी के लिए यूज़ करने के लिए. ऑट टू इज़ यूज जब कोई मॉरल ड्यूटी होती है या फिर कोई ऑब्लिगेशन होती है, तब हम यूज़ करते हैं ऑट टू. और यूज टू अभी हमने पढ़ा है इस बारे में कि हम हैबिचुअल एक्शंस जो पास्ट में हो चुके होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू. ओके सो यही बेसिक मोडल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. Now that's it for the video, and with this we come to the end of the topic modals. I want you to go through the explanation. If you have anywhere in doubt in any video, you can ask. Thank you.